तो जैसे मैं कह रहा था कि कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है, बहुत महफूज जगह है शूटिंग करने के लिए, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है. और एट दिस टाइम आई'ड लाइक टू से थैंक यू टू मुनीर भाई, टू आलम भाई, टू राही भाई. उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखभाल की हमारी. मैं ये कहूँगा कि जब वो लोग सेट पे, हम लोग बहुत आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, तो एज एन एक्टर व्हेन आई यूज्ड टू सी देम इन द सेट, मैं ऑटोमेटिकली बहुत सेफ फील करता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या दिक्कत होगी कि ये लोग उस सिचुएशन को प्रॉपरली एक सही तरीके से हैंडल करेंगे. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कि लास्ट मिनट में अगर आपको लोकेशन चाहिए, जैसे कि उस दिन कल हम लोग शूट कर रहे थे एंड वी नीडेड अ मस्जिद टू शूट, और हमारे पास कुछ लास्ट 20 मिनट के अंदर उनको एक ये मस्जिद लोकेशन ऑर्गेनाइज करना था, और उन्होंने किया और हमने शूट भी किया और शूट भी बहुत अच्छी तरह से गया. तो इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि एज एन एक्टर दे मेड मी फील रियली सेफ. क्योंकि जैसे मैंने अर्लियर कहा इस इंटरव्यू में, मीडिया से कुछ इमेजेस आते हैं लोगों के मन में कि कश्मीर इज़ लाइक दिस, कश्मीर इज़ लाइक दैट, लेकिन एज एन एक्टर मुझे पता था कि ये लोग मेरे साथ हैं, तो मैं सेफली मैं पूरी तरह से अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ और कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली है. तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के लिए, और अगर मैं कभी प्रोड्यूसर बनता हूँ तो मैं 100% उन लोगों को कॉल करूँगा. थैंक यू.